बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, मैं हूं शाहिद, अपने यूट्यूब चैनल इजी होम की जानिब से। आज मैं आपको खूबसूरत सोसाइटी में जो है एक खूबसूरत घर दिखाने जा रहा हूं। ये सोसाइटी का एक व्यू आपको दिखा दूं। ये मदीना पाक व्यू के नाम से सोसाइटी है। 5 नंबर स्टॉप कान्हा में ये सोसाइटी है और ये बिल्कुल बरलब नहर है। ये इसका पार्क है, ये इसके रोड हैं, साथ ही लेफ्ट साइड पर कमर्शल है। ये इसका कमर्शियल है और ये इसका मेन बॉलीवार्ड है। आगे मस्जिद को रास्ता ये जा रहा है। घर देखें, सारे ही आलमोस्ट अच्छे बने हुए हैं। तो आज मैं आपको इसमें एक 3 मंजिले का घर जो अभी फिनिशिंग मराहल में चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। रास्ते आपने देख लिए इसके तकरीबन। ये वो घर है सामने देखें, जो जिस पर टाइल लगी हुई है और ऊपर टाइल भी लगने वाली है। ये घर अभी टू बी कम्प्लीट है, कम्प्लीट हो रहा है, काम इसमें जारी है। ये इसका मेन गेट है और लकड़ी का काम इसमें हो रहा है। सीलिंग का काम इसमें मुकम्मल हो चुका है। गैराज से ही जो है अपना सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही हैं, ऊपर के फ्लोर को जा रही हैं। यहाँ पे जो है एल्युमिनियम की एक विंडो लगनी है वेंटिलेशन के लिए। अलमारी इसमें लगने वाली हैं और ये सामने किचन के कबर्ड बॉक्सेस लगने हैं। अभी अंदर ये बेडरूम है, टीवी लाउंज था, ये बेडरूम है। सीलिंग इसमें बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन में की गई है और नीचे जो है मार्बल प्यारी लगाई गई है। ये वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन में आप देखें कि टाइल लगाई गई है। ये इसका बाथरूम है, बाथरूम में भी खूबसूरत टाइल लगाई गई है। इसके भी दरवाजे लगने वाले हैं। सैनिटरी का काम तकरीबन अभी होने वाला है सारा। खूबसूरत लोकेशन पे ये खूबसूरत घर तैयार हो रहा है। 3 मंजिले का एक घर है और इसकी जो साइज़ है ये 1545 है। 15 इसका फ्रंट है और 45 इसकी बैक है। ये इसकी टीवी लाउंज है, ये गैराज, और गैराज में भी चूँकि काम हो रहा है लकड़ी का काम के लिए इन्होंने यहाँ पे अड्डा लगाया हुआ है। सामने आप देख सकते हैं साफ़ सुथरे खुले रोड हैं इस सोसाइटी के। और दोस्तों, बताता चलूँ कि इस सोसाइटी में गैस जो है अप्रूव हो चुकी है और गैस यहाँ आ जानी है। बाकी आपको यहाँ वापडा का मीटर मिलेगा और पानी का बोर। तकरीबन सारे घर में बेहतरीन किस्म की मार्बल लगाई गई है, सियाह बादल कह लें, काला बादल कह लें। और ये किचन की एक पॉइंट, किचन का पॉइंट रखा गया है जहाँ पर बॉक्सेस सारे लगने हैं। बाकी आप देख सकते हैं माशाल्लाह घर शानदार तरीके से बनाया गया है, खूबसूरत घर है। सामने एक वाशरूम है, ऊपर 2 बेडरूम दिए गए हैं। यहाँ पे टेरेस बननी है और साथ जो है इसके यहाँ पे एक विंडो लगनी है एल्युमिनियम की। बाहर का रास्ता आप देख सकते हैं, बाहर का मंज़र आप यहाँ से देख सकते हैं। ये टेरेस भी था और ये इसका वाशरूम है। वाशरूम में देखें टाइल बड़ी खूबसूरत तरीके से लगाई गई है, शानदार कलर की मैचिंग की गई है। ये इसका टीवी लाउंज है, किचन, ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं छत को, और ये दूसरा बेडरूम इस घर का। ऊपर 2 बेडरूम दिए गए हैं और दोनों बेडरूमों के साथ जो है अटैच वाशरूम दिए गए हैं। सीलिंग शानदार, नीचे मार्बल शानदार लगाई गई है। ये इसका दूसरा वाशरूम है, दोनों बेडरूम के साथ ऊपर जो है अटैच वाशरूम है, किचन दिया गया है। और ये मार्बल आप देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की मार्बल लगाई गई है सीढ़ियों के ऊपर भी। घर में जितना भी काम किया जा रहा है, जितना भी मटेरियल लगाया जा रहा है वो ज़बरदस्त लगाया जा रहा है। ये इसकी ममटी है, छोटा सा स्टोर कह लें, ममटी कह लें। और ये इसकी छत है, पानी का टैंक रखा गया है। दोस्तों, बताता चलूँ कि 3 मंजिले का घर है और ये मदीना व्यू पार्क सोसाइटी है। कान्हा 5 नंबर स्टॉप के पास ये सोसाइटी है, साफ़ सुथरी सोसाइटी है। गैस यहाँ अप्रूव्ड है, इंशाल्लाह गैस भी आ जाएगी। बाकी यहाँ पे बिजली और पानी की बोर आपको मिलता है और बिजली का मीटर मिलता है। रास्ते साफ़ सुथरे हैं यहाँ के और सोसाइटी भी साफ़ सुथरी है। और बरलब नहर है, यूँ समझे कैनाल के ऊपर, जिसे कहते हैं कि खूबसूरत व्यू, खूबसूरत और ठंडा और मीठा पानी यहाँ का। फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ का इतना साफ़ सुथरा पानी है माशाल्लाह। तो जिस भाई को ये घर पसंद आया वो हमसे रब्ता कर सकता है। इस घर की डिमांड जो है वो 65 लाख है, इसमें कमी पेशी हो सकती है। तो जिस भाई को चाहिए वो हमारे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करें। इजाज़त चाहते हैं आपसे आइंदा वीडियो तक। अस्सलाम वालेकुम।